सो हेलो गाइस, दिस इज़ अर्जुन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ईयर में जितनी भी स्टेशनरी यूज़ होती है ना, उन सब की एक लिस्ट बना के दूंगा ताकि जो न्यू कमर्स हैं उनको कोई डिफिकल्टी ना आए या फिर उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखा जाए ना तो आर्किटेक्चर ना स्टेशनरीज के बिना ना एकदम अधूरा है, क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि यार कि मतलब जितनी भी हमें ड्राइंग्स बनानी होती हैं, हमें इतनी सारी ड्राइंग्स बनानी होती हैं एंड वो सब कलर रेंडरिंग वगैरह, उसके बाद फिर स्केचिंग वगैरह, हाउस के स्केचेस करने होते हैं, कई तरह की स्केचिंग प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं। इनफैक्ट उसके अलावा वर्कशॉप में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेशनरी यूज़ होती है। जो भी आप लोग मॉडल्स वगैरह बनाओगे या फिर जो भी आपको वर्कशॉप में काम दिया जाएगा, उस सबके लिए भी स्टेशनरी की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट बी आर्क में बहुत ज़्यादा स्टेशनरी स्पेंड होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं वो सब स्टेशनरीज बताने वाला हूँ जो मैंने या फिर हमारे बैचमेट्स ने यूज़ करी थी फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकंड सेमेस्टर में। सो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो स्मॉल आइटम्स होते हैं उन सबसे स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो आपको कटर चाहिए होगा। कटर ऑलमोस्ट आपको हर टाइम रखना पड़ेगा अपने साथ, कि कुछ पता नहीं होता कि कब रिक्वायरमेंट पड़ जाए कटर। इनफैक्ट हमारे कॉलेज में क्या है कि शार्पनेस अलाउड नहीं है, तो शार्पनेस की जगह हमें ना कटर्स यूज़ करने पड़ते हैं। अगर हमें पेंसिल शार्प करनी है, फिर कलर पेंसिल शार्प करनी है, तो हम कटर से करते हैं। हम कटर्स यूज़ करते हैं तो हम शार्पनेस यूज़ नहीं करते। कटर्स मेरे ख्याल से इसलिए अलाउड हैं और शार्पनेस इसलिए अलाउड नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि यूज़ करते टाइम ना हमें अपने हाथों को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है, तो वो सब ना मतलब हाथ की थोड़ी स्टेबिलिटी वगैरह भी थोड़ा इंक्रीज़ करेगा। आई गेस कि यही एक रीज़न होगा कटर्स यूज़ करने का। एंड उसके बाद पेंसिल सेट आपको ज़रूर लेना चाहिए। अभी तक हम सब मतलब सिर्फ HB ही यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन बी आर्क में हर ग्रेड की पेंसिल यूज़ होने वाली है। लाइक एच यूज़ होने वाली है, HB भी यूज़ होने वाली है एंड B ग्रेड्स भी यूज़ होने वाले हैं। लेकिन कुछ एक दो ग्रेड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि HB तो होते ही यूज़। उसके बाद 4H काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है एंड 4H के बाद 2B एंड 4B। तो ये चार ग्रेड्स मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। आई गेस कि आप सबको भी इन्हीं ग्रेड्स का ज़्यादा यूज़ करने को मिलेगा, तो ये चार ग्रेड्स की पेंसिल तो ज़रूर खरीद लेना। और मैं भी इन सब आइटम्स की जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हो अमेज़ोन में जाके। और पेंसिल्स के बाद आपको एक कलर पेंसिल्स भी खरीद लेने चाहिए। कोशिश करना कि अच्छे ब्रांड के खरीद लो, स्टेडलेस के खरीद लेना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड उसके बाद एक स्टील स्केल 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का भी ज़रूर खरीद लेना। प्लस एक और स्केल आपको चाहिए होगा, वो होगा ट्राइंगुलर स्केल, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स पे आपको काम करने को उस पर मिल जाएगा एक ही स्केल पे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्केल है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टेशनरी आइटम है इस कोर्स में। उसके बाद आपको मार्कर्स खरीद लेने चाहिए, क्योंकि मार्कर्स काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है स्पेशली डिज़ाइन की क्लास में। और उसके बाद शीट्स वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, लाइक A3 A1 शीट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा, क्योंकि यू कैन बाय इट फ्रॉम योर नियर बाय स्टोर्स। सो उसके बाद ये तो मतलब नॉर्मल शीट्स है, कहीं से भी मिल सकते हैं आपको। सो इसके बाद एक और आइटम जो आप सबको मैंडेटरी खरीदनी चाहिए वो है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर नॉन एडजस्टेबल भी आते हैं और एडजस्टेबल भी आते हैं, तो यू कैन गो विद योर प्रेफरेंस। अगर मैं होता तो मैं ज़रूर एडजस्टेबल सेट स्क्वायर को यूज़ करता, क्योंकि एडजस्टेबल सेट स्क्वायर में आप काफ़ी ईजिली डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे लाइन लगा सकते, वर्टिकली भी और बाकी एंगल्स पे भी ईजिली, जो कि मतलब नॉन एडजस्टेबल जो सेट स्क्वायर होता है उन पे इतना ईजीली नहीं होता। लेकिन हमें फर्स्ट ईयर में एडजस्टेबल सेट स्क्वायर यूज़ करने को नहीं दिया गया था, क्योंकि वो सब अभी हमें इतना ईज़ नहीं देना चाहते थे। जो एक्चुअल मैनुअल ड्राफ्टिंग होती है ना, उन सबको हमें थोड़ा यूटिलाइज़ करना, उन सबसे थोड़ा अच्छे से वाकिफ करवाना चाहते थे। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेशनरी आइटम, इसको लेके आप चाहे किसी को मार भी सकते हो, लेकिन ऐसा करना मत। और इसको आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स का ब्रह्मास्त्र कह सकते हो। तो ये है हमारा पैरेलल बार, 75 सेंटीमीटर का भी आता है और 100 सेंटीमीटर का भी आता है। वो पैरेलल बार आप अभी डिसाइड करके मत ले लेना, क्योंकि आपको अगर पैरेलल बार खरीदना तो आप जाके पहले अपने कॉलेज का जो ड्राफ्टिंग टेबल है ना उसकी लेंथ देख लेना, कि उस पर 75 सेंटीमीटर का फिट आएगा कि 100 सेंटीमीटर्स का। सो मेरे पास 100 सेंटीमीटर वाला है, क्योंकि हमारे स्कूल में ड्राफ्टिंग टेबल्स काफ़ी बड़े हैं। तो उसके बाद पैरेलल बार का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको घर पे ड्राफ्टिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, या फिर हॉस्टल में अगर आप रहते हो तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, वो है ड्राफ्टिंग टेबल। तो एक ड्राफ्टिंग टेबल जो आपका पैरेलल बार का साइज़ है, उसके साइज़ के हिसाब से एक ड्राफ्टिंग टेबल ज़रूर होना चाहिए आपके पास। अगर आप कस्टम मेड बना सकते हो किसी कारपेंटर के पास रख के तो डेफिनेटली, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे दूंगा। एंड उसके बाद आपको क्लैम्प सेट भी खरीदने पड़ेंगे। क्लैम्प सेट्स बेसिकली ड्राफ्टिंग टेबल के चारों कॉर्नर्स पे लगते हैं। एंड उसके बाद आपको थ्रेड भी खरीदना पड़ेगा जो उन क्लैम्प सेट्स को बांधेगा। क्लैम्प सेट्स
पैरल बार और थ्रेड, और ये सब तीनों चीज़ें आपकी ड्राफ्टिंग टेबल पे फिट होगी और उस पर आप शीट लगा के काम करोगे। पैरल बार का बेसिकली काम क्या होता है, वो आपको एक पैरल लाइंस होते हैं वो ड्रॉ करने में ये थोड़ा इजी हो जाता है उससे। एंड उसके बाद आप एल्कोल मार्कर्स भी खरीद सकते हो। एल्कोल मार्कर्स की हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी फर्स्ट ईयर में, लेकिन यू कैन गो फॉर इट, ताकि आप जो थोड़ी बेसिक जो रेंडरिंग होगी सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो हाउस का प्रोजेक्ट होगा तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप रोटरिंग पेन्स डेफिनेटली खरीद सकते हो, आपकी जो ड्राफ्टिंग होगी आप रोटरिंग पेन से भी कर सकते हो इफ़ यू कॉलेज अलाउज इट। एंड उसके बाद आपको कलर्ड पेन्स भी खरीदने चाहिए, कलर्ड पेन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे आपकी डिटेलिंग में या फिर आपको एक अच्छे नोट्स बनाने में तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, तो कलर पेंस डेफिनेटली आप बाई कर लेना। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम जो एक हर एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट के पास होने चाहिए, वो एक मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप प्रेफर करना कि आप 10 मीटर वाली ले लो, वरना 5 मीटर वाली भी काम कर जाएगी। तो मेजरिंग टेप ऑलमोस्ट आपके पास हर टाइम होनी चाहिए। मेजरिंग टेप के बाद आपके पास ग्लू होनी चाहिए, फेविकोल वगैरह जो भी नॉर्मल ग्लू वगैरह होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली आपके वर्कशॉप में। एंड उसके बाद वर्कशॉप में आपके सनबोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं, सनबोर्ड्स कार्डबोर्ड वगैरह ये सब शीट्स काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है आपकी वर्कशॉप में। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी वर्कशॉप में किस तरह के आपको मॉडल्स दिए जा रहे हैं बनाने को। तो इन सब आइटम्स के बाद एक और इंपॉर्टेंट आइटम है जो आप सबको खरीदनी चाहिए एज अ बी आर्क स्टूडेंट, वो है शीट होल्डर्स। शीट होल्डर्स काफ़ी तरह के आते हैं, लाइक कुछ ऐसे बातें हैं जिनमें आप मतलब शीट्स को रोल करके रख सकते हो, एंड कुछ मतलब जिनमें सिर्फ प्लेन शीट्स को पैक करके रख सकते हो। मोस्ट कॉमनली सब जो बैम्बू होल्डर होता है वो उसको यूज़ करते हैं। तो बैम्बू होल्डर बेसिकली आप ना अच्छी क्वालिटी के लेना, 100-200 के चक्कर में आप मतलब वो बेकार क्वालिटी का ले लेना इन, क्योंकि मैंने जो खरीदा था वो मतलब कुछ 150 या 200 रुपये का था, लेकिन वो बाद में जाके काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया था। अब उसमें मतलब जब भी शीट्स वगैरह कुछ ज़्यादा हो जाए तो मतलब सारी शीट्स नीचे गिर जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पेनफुल होता है यार कि आप इतने मेहनत से शीट्स बनाओ सब नीचे गिर जाए। तो एक अच्छी क्वालिटी का शीट होल्डर ज़रूर खरीद लेना, स्पेशली बैम्बू होल्डर जो है वो खरीद लेना, वो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला आपके। यही थे कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ आइटम्स जो आपको काम आने वाली हैं बीआर के फर्स्ट ईयर में या फिर आगे भी काम आएंगी। तो इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अमेजोन से वो सब आइटम्स खरीद सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं करा तो लाइक भी करो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो इसी के साथ अब हम समाप्त करते हैं अपनी ये वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।